अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आमनास रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट अवर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा भाई, सितारा का वीडियो आया और थंबनेल को देखते के साथ ही मुझे समझ आ गया था कि इस फूल के पीछे कौन सा फूल सा चेहरा है। तो जनाब, इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा सितारा के व्लॉग पर रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ कुछ बातें आपके साथ यहाँ पर हम कर देंगे शेयर। अच्छा क्या है, सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है और सितारा ने अपने व्लॉग में बच्चों को इस स्कूल ड्रॉप करना, वहाँ से वापस लाना और तमाम तर रूटीन जो है वो दिखाई। फिर सितारा ड्रेसेस लेने गई अपने बेटे के लिए और वहाँ से वापसी पर सितारा ने ये बात बताई कि हस्बैंड ने बोला है उनके, यानी साजिद साहब ने, कि कोई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक मीटअप रखा है सितारा के साथ। तो सितारा ने बहुत पूछा, नाम बता दीजिए कौन है, किसने इन्वाइट किया है, क्योंकि हमें याद है एक दफ़ा पहले भी सितारा के साथ बड़ा स्कैम हो चुका था और सब्सक्राइबर ने खाना तो खिलाया सो खिलाया, साथ कम्युनिटी ना लगाने का वो जो एक वबाल था, इतना बुरा यहाँ सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ था कि सबने मिलकर सितारा को ट्रॉली कर डाला था। और वो जो खातून थी वो सितारा हेटर्स के साथ रबते में मजलूमियत का इस्तियारा बनकर आ गई थी। तो खैर जनाब, यहाँ से जो सितारा हैं वो चली और बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई। रास्ते में सितारा ने कहा उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है अब, क्योंकि जब भी कोई सब्सक्राइबर इस तरह से मीटअप की बात करता है तो उसका एक ही यहाँ पर मुतालबा होता है कि भाई आपको कम्युनिटी लगा देनी है और जो भी एक मीटअप होता है उसके बदले में उनसे ये डिमांड करता है। तो सितारा ने एक बार फिर कहा कि यहाँ तो सारा फसाद ही जो है वो कम्युनिटी का है, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट से ही तमाम तर फसादात स्टार्ट हुए थे। हमें याद आ गया कि जो सितारा की बहन साहिबा हैं वो जब आई थी और सितारा ने अपना स्टांस रखा था और तमाम तर मामलात को यहाँ पर प्लेस किया था, तो बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा क्लियर होकर सामने आ गई थी। खैर जी, यहाँ इससे पहले एक और बात कर दूँ, सितारा से बहुत छोटे छोटे से जो बच्चे हैं तैयबा की एज के, इवन वो बच्चे थे, वो मिलने आए और सितारा ने सबको वेलकम किया, सितारा से ऑटोग्राफ भी लिया और बच्चियों ने कहा हमारी दादू आपसे मिलने आएंगी, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं। बड़ा अच्छा लगा देख कर कि जो सितारा हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनको लोग चाह रहे हैं और एक उनका अपना लोगों के साथ रिलेशन जो है वो बिल्ड हो रहा है न्यू जगह पर, न्यू सिटी में, और उनको एक समझदार या पढ़े लिखे लोग या अपनी फील्ड में एक जिनका नाम है या जो समझ रखते हैं और एक क्लास रखते हैं, मैं दौलत के हवाले से नहीं कह रही, एक होता है ना सोच समझ का लेवल, उससे अगर मुताबकत रखने वाले लोग मिल जाएं तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे मुझे यहाँ याद आ गया, जब सितारा की वालदा थी ना यहाँ पर, तो एक लेडी मिलने आया करती थी सितारा की अम्मी की, वो फ्रेंड बन गई थी, अक्सर वो सितारा की अम्मी के लिए खाने वगैरह बनाकर भी लाया करती थी। तो अचानक से मुझे वो खातून याद आ गई। खैर जी, ये लोग चले और सरप्राइज के लिए वहाँ इरफान एंड फैमिली और जो फायजा हैं सिस्टर वो मौजूद थी, और कौन मौजूद था भाई, हाँ मेजर साहब, उनकी मिसेस, और फिर सबको लेकर जब ऊपर गए तो वहाँ पर 1 मिलियन सेलिब्रेशन देख कर सितारा हो गई शॉक्ड। और वहाँ मिली इन्हें नजमा आंटी, और जो सितारा की नजमा आंटी हैं उन्होंने सितारा को अपनी बेटी बनाया है। एक दफा सितारा को जब उन्होंने अभी ईदी सेंड की थी ना, तो मेरे कमेंट्स में आके उन्होंने कहा था कि जो मेरे घर से ईदी आई गई है ना सितारा के लिए आमना, तो वो भी सितारा के मैके से गई है। मतलब उनको एक बहुत कहते हैं उनकी एक बॉन्डिंग है सितारा के साथ, और ये उन्होंने मुझे मैसेज किया था और वो वीडियो मैंने बनाई थी फारूक और नजमा के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा था। और आज जब मैंने ये सब कुछ देखा ना, मतलब 1 मिलियन सेलिब्रेशन सितारा ने खुद की, एक कराची में की, एक इस्लामाबाद में की, उन्होंने मतलब लोगों को वैल्यू दिया। लेकिन जो यहाँ पर सितारा की नजमा आंटी हैं उन्होंने जिस तरह से सितारा को स्पेशल फील करवाया, सरप्राइज दिया, और जो एक लास्ट डेज से सितारा
थोड़ा सा डाउन थी। उन्होंने कहा था वो अपनी अम्मी को भी मिस कर रही हैं और देखने वालों ने भी उनके एक बिहेवियर में कुछ कहते हैं ना थोड़ी सी उदासी महसूस की थी या थोड़ी सी थकन कह लें। तो सितारा ने कहा कि अपने वीडियो में भी ये चीज़ कही कि आज जो यूट्यूब फैमिली है वो तमाम की तमाम बहुत खुश हो गई होगी क्योंकि सितारा आज बहुत लाइट हो गई एकदम से। और जिस तरह से जो नजमा आंटी हैं सितारा की, उन्होंने सितारा के लिए एक स्पेशल सरप्राइज अरेंज किया। ना सिर्फ सरप्राइज अरेंज किया बल्कि साजिद साहब को कहा इसे सरप्राइज ही रखना है। और साथ साथ सितारा जिनको वैल्यू करती है, जिन भी फैमिलीज को इस्लामाबाद में, उन तमाम तर को इनवाइट किया गया वहाँ पर। बेसिकली ये नजमा जी जो हैं उनका ही एक तैयार करदा या ऑर्गेनाइज करदा एक छोटा सा डिनर कह लें या एक सेलिब्रेशन कह लें, वो सितारा के लिए था। लेकिन इतना स्पेशल था जो कि मच नीडेड था। और सितारा जिस फेस से, एक कहते हैं ना, हर एक को प्लीज करने में लगी हुई थी, हर एक को खुश करने में लगी हुई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सितारा को स्पेशल फील कराया वो वाकईतन बहुत वैल्यू करता है। और सितारा को देखकर सीरियसली बहुत खुशी भी महसूस हुई कि काफ़ी टाइम बाद सितारा ने खुल के रिलैक्स होकर जो खुशी है वो सेलिब्रेट की है। और यहाँ पर सितारा ने बताया कि मुस्तफ़ा के बर्थडे का केक इस दफ़ा भी सबसे पहले जो नजमा जी हैं उन्होंने भेजा, तो सो स्वीट ऑफर। माशाल्लाह से उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपना एक ग्रेस है, और बग़ैर किसी कहते हैं ना गर्ज के, लालच के, सितारा के साथ वो कनेक्टेड हैं, उनका दिल कनेक्टेड है। सितारा को उन्होंने बेटी माना है, तो सिर्फ मुंह से नहीं बोलती बल्कि वो ये तमाम तर चीज़ें प्रैक्टिकली उसका इजहार भी करती हैं, क्योंकि जो प्यार या मोहब्बत या जो एहसास है वो इजहार भी मांगता है। वरना खामोश रहकर, दिलों में रखकर अगर चीज़ें बैठ जाएं तो किसे पता कौन हमारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर, और एक ऐसा लगा कि एकदम से एक फैमिली मीटअप हो गया और बड़ा ही खुशगवार एक उन्होंने पूरा माहौल कर दिया एक नजमा जी के आने के बाद। और सितारा ने बताया इवन इनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं इस्लामाबाद में, लेकिन ये कभी नहीं आती। वो लोग बुलाते भी हैं क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा इंसान की बिजी है, लेकिन बेसिकली क्योंकि वो सितारा के मिलियन मीटअप में शामिल नहीं थी, उम्रा पर गई हुई थी और सितारा को बेटी भी माना है, तो बेटी की इतनी बड़ी खुशी को वो किस तरह से मिस कर सकती थी। सितारा ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया कि उन्होंने माँ होने का हक अदा कर दिया। तो अगर फाइनल नोट पर मैं एक चीज़ देखूं तो यहाँ से क्लियर होता है कि सितारा ने खुद ये बात की है कि आज उनको खुश देखकर जो YouTube फैमिली है उनकी, वो भी बहुत खुश हुई होगी। और सितारा ने इस चीज़ को कहा कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स, लाइट, और कहते हैं ना अंदर से भी बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रही हैं नजमा जी के आने के बाद। तो ओवरऑल एक बड़ा प्यारा व्लॉग था, एक बड़ा प्यारा सरप्राइज था और एक बड़ी प्यारी मुलाकात थी। और 1 मिलियन सितारा ने तो सबके साथ सेलिब्रेट किया, हर एक को वैल्यू किया, लेकिन यहाँ पर जो नजमा जी हैं उन्होंने सितारा को वैल्यू किया और बहुत स्पेशल फील कराया। और ये जो मोमेंट था ना, इसको वही फील कर सकता है जो इसको फेस कर रहा हो। तो गुड लक, और अल्लाह पाक जो आपके रिश्ते बने हैं खुलूस के उनको नज़र बद से बचाए। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।